नाटोकिन जीवा नाराजी पना ज़दा राजी मैं दमे दराजी मैं दमे दराजी मैं दमे दराजी बखरे पख्तून ख्वा अवार्ड शो हर साल मुनक़िद होते हैं तो इसका ये तीसरा साल है, आपको पहली दफ़ा मिल रहा है तो क्या फीलिंग्स है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ और सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ी खुशी हुई है इधर आके नौशेरा में आके, पहली बार नौशेरा आया हूँ तो सबका प्यार मिला है, अवार्ड्स मिले हैं, हमारा परफॉर्मेंस भी है यहाँ पर और वेरी थैंकफुल, बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप बताइए, आप इस इवेंट को किस नज़र से देखते हैं, क्या कमेंट्स करना चाहिए? बहुत अच्छा इवेंट है, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने सुना था कि नौशेरा के लोग थोड़े से नॉटी होते हैं, लेकिन ये तो बहुत इज़्ज़त देने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे एक्टिविटी होनी चाहिए क्योंकि हम जैसे आर्टिस्ट को भी मोटिवेशन मिलती है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको भी मोटिवेशन मिलती है। आपने प्री इंटरव्यू में बताया कि मैं सिंगर हूँ, अगर हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा आप? मेरा गाना है अभी पश्तो और वो फैसल और मेरा गाना है डू इट में हमने किया है। तो जमाश नाराजी पनाज़दा राजी न्याज भी नाम दा न्याज भी नाम दा ज़कम दमे दमे दा मैं दमे दराजी ज़कम दमे दमे दा मैं दमे दराजी। अच्छा सर, जाते जाते इस इवेंट पर क्या कमेंट्स करना चाहेंगे, ऐसी इवेंट्स होने चाहिए कि नहीं? इवेंट्स होने चाहिए, नौशेरा पिशावर केपीके हर जगह पे होने चाहिए। कोविड अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत पीक पे नहीं है तो ठीक चल रहा है, ऑडियंस के लिए भी कुछ नया मिलता है, हमारे लिए भी फनकारों को आर्टिस्ट को एक अचीवमेंट मिलती है तो वो अपने काम की तरफ और भी रुजू करते हैं, तो होने चाहिए इवेंट्स। आप सेम क्वेश्चन, आप ऐसे इवेंट्स होने चाहिए नौजवानों के लिए? और बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे हम भी ऐसे ही हैं और नौजवानों के लिए ही नहीं, सिर्फ सबके लिए एक एक्टिविटी उनको मिल जाती है, ऐसे बेशुमार इवेंट होने चाहिए क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो मोटिवेशन भी नहीं है और सिंगर्स तो क्या किसी भी टैलेंट वाले इंसान को आगे नहीं लेकर आते, तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।